हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं द हिंदू के, उन पे जो आज का डिस्कशन है उसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो आपका टूरिज्म मिनिस्टर से रिलेटेड है। मतलब कि रिसेंटली टूरिज्म मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ टू स्टेट ऑफ द 80 सीटर इलेक्ट्रिक क्रूज इन हुशियान सागर। तो यार, ये मतलब कि अपने टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने मतलब कि एक क्रूज़ लॉन्च किया है हुसैन सागर लेक के अंदर। और ये जो क्रूज़ है ये मतलब 18 सीटर है, मतलब 8 लोगों की सीट होगी इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक है। और ये बाकी हुसैन सागर झील में ये चलेगी। और ये जो झील है ये अपनी हैदराबाद में है। और बाकी जो इस झील का जो यार जो पानी आता है ना, वो मतलब मूसी रिवर से आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 80 सीटर जो इलेक्ट्रिक क्रूज है वो हुसैन नगर लेक में चल रही है, और ये हुसैन नगर हैदराबाद में है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अगला जो करंट अफेयर है वो आपका डेव मेटमोर से रिलेटेड है। और रिसेंटली डेव मेटमोर हैज़ बीन नेम्ड हेड कोच ऑफ नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम। तो यार, ये जो अपने डेव मेटमोर हैं, इनका मतलब कि इनको एक हेड कोच के तौर पे चुना गया है अपनी जो नेपाल की जो टीम है उसके, ये अब हेड कोच रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये पहले ऑस्ट्रेलिया के भी थे और श्रीलंका के भी थे, और अब ये नेपाल के हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका सुनील छेत्री से रिलेटेड है। तो यार, सुनील छेत्री बिकम द फर्स्ट इंडियन टू मेक 50 गोल कंट्रीब्यूशन इन ISL हिस्ट्री। तो यार, ये जो अपने सुनील छेत्री हैं, मतलब कि ये जो अपनी ISCL है, इंडियन सुपर लीग, इसमें मतलब 50 गोल्स का कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने। और ये मतलब कि बहुत अच्छी बात है यार कि सुनील छेत्री, आपको पता है, मतलब बहुत बढ़िया खेलते हैं, धांसू खेलते हैं वो तो। और बाकी ISL के बारे में आपको पता ही होगा, इंडियन सुपर लीग इसकी फुल फॉर्म है। और 2013 में इस मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी, और टोटल 11 टीम जो है वो इसके अंदर खेलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो चैंपियन लीग थी हमारी लास्ट, वो गोवा ने जीती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो अपना यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स विल ऑफिशियली बी कॉल्ड एज गार्डियन। तो यार, ये मतलब कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि मतलब कि ये अपने यूनाइटेड स्टेट की जो स्पेस फोर्स है, मतलब कि जो स्पेस को सेफ रखेगी, मतलब एक स्पेस फोर्स है, मतलब एक ये मतलब एक आर्मी मान लो आप। जैसे यार, अभी धरती पे तो, इस लैंड पे तो आर्मी हो नहीं रही, लेकिन ये स्पेस में इन्होंने अपनी एक अलग ही आर्मी तैयार कर ली है। मतलब सारे एयरफोर्स से लेके चुने गए हैं जो स्पेस की रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ, मतलब कि शायद एलियन वेलियन से लड़े। तो ये जो उनका ऑफिशियली जो नाम है वो गार्डियन करके इनका नाम रखा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड है। द अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट विल बी ऑफिशियली नेम्ड एज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यार, ये अपने अपने ये जेवर एयरपोर्ट के बारे में सुना ही होगा। तो ये अब मतलब इसका जो नाम रखा जा रहा है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से रखा जा रहा है। और बाकी ये जेवर आपको पता होगा, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है जेवर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो जेवर एयरपोर्ट का जो ऑफिशियली नाम रखा जा रहा है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका बिहार से रिलेटेड है। तो SK सिंगल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ बिहार। तो यार, ये जो बिहार के जो भी नए DGP चुने गए हैं, बिहार पुलिस के जो नए DGP चुने गए हैं, वो अपने SK सिंघल जी को चुना गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि SK सिंघल जी जो हैं वो बिहार के DGP हैं, बिहार पुलिस के DGP हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो आपका श्रीनिवास कारानम से रिलेटेड है। तो श्रीनिवास कारानम वॉन द फर्स्ट प्राइज एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड। तो यार, ये जो अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एंड स्किल एक्सेलेंस अवार्ड है, ये अपने श्रीनिवास कारानम जी को दिया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारे सारे करंट अफेयर हेल्पफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।
And don't forget to subscribe to watch more videos like this.